अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। इस थर्ड पार्ट के अंदर जिसके अंदर मैं आपको सिखा रहा हूँ VN एडिटर ऐप का बस इंटरफेस हम देख रहे हैं, तो आज हम कुछ और मज़ीद ऑप्शंस को यूज़ करेंगे और देखेंगे कि उसके अंदर आप लोगों को क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। तो हम चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखें, हमने सक्सेसफुली जो है ये वाले ऑप्शन सारे डिस्कस कर चुके हैं, उसके अलावा हम लेयर्स के अबाउट डिटेल के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ये वाले कुछ ऑप्शन हैं जिनके अबाउट हमने डिस्कस नहीं किया। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास ये ऑप्शन है FX का। आप किसी भी तरह के इफेक्ट्स देखते हैं डिफरेंट वीडियोस के अंदर, तो लेट्स सपोज जैसे यहाँ पे मैं एक इफेक्ट ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसे इफेक्ट्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखिए बहुत सारे इफेक्ट्स मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे ये वाला इफेक्ट मुझे चाहिए, तो वो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो गया। इसको मैं यहाँ से एडजस्ट भी कर सकता हूँ कहीं पे भी, जहाँ पे भी मुझे वो चाहिए। तो यहाँ पे देखें, अगर मैंने यहाँ पे वो इफेक्ट्स ऐड कर दिया और यहाँ पे देखें अब किस तरह से मेरी वीडियो शो होगी उस इफेक्ट्स के साथ। तो यहाँ पे देखिए वो इफेक्ट आपको नजर आया, राइट? इस तरह से आप डिफरेंट इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। अब मुझे दोबारा से इफेक्ट चेंज करना है, तो यहाँ पे देखें इस इफेक्ट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और मुझे इफेक्ट कोई और चाहिए, तो मैं वो यहाँ से इफेक्ट लगा दूंगा। पूरी वीडियो के अंदर जहाँ जहाँ पे भी आप चाहें इसकी मदद से आप डिफरेंट इफेक्ट्स लगा सकते हैं। अलॉट ऑफ इफेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है, राइट? अब मुझे इस इफेक्ट को डिलीट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इफेक्ट्स पे जाऊँगा, इस पे क्लिक करूँगा और क्या करूँगा, सिंपल डिलीट का बटन प्रेस कर दूंगा, या फिर यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है नन का। तो देखें कोई इफेक्ट नहीं है, अब मेरी वीडियो वैसे रहेगी, कोई इफेक्ट लगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे अभी अगेन इफेक्ट मेरे पास शो हो रहा है, उसको मैं क्या कर देता हूँ, नन पे कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब इफेक्ट जो है वो हट चुका है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ट्रिम का। मैं अपनी वीडियो को ट्रिम करना चाहूँ, मतलब कट आउट करना चाहूँ कहाँ तक मुझे वीडियो चाहिए। वैसे ये अप्रोच अच्छी नहीं है, आप इसको चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ से ट्रिम नहीं करता, मैं इसको कट आउट करता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है स्प्लिट का, ठीक है। इस वीडियो का लेट्स सपोज यहाँ तक मुझे इसको कट करना है, तो मैं यहाँ स्प्लिट पर क्लिक करूँगा, ये दोनों पार्ट अलहदा होंगे। इसको मैं डिलीट करना चाहूँ, इसको मैं डिलीट कर दूँगा, राइट? इस तरह से मैं अपने वीडियोज़ के अंदर कट लगाता हूँ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है ये डुप्लीकेट का। अगर इस वीडियो को मैं डुप्लीकेट करना चाहूँ, तो सिंपल इस पर क्लिक करूँगा और ये देखें डुप्लीकेट हो गया। या आप कोई भी टेक्स्ट वगैरह डुप्लीकेट करना चाहें, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। मतलब कोई भी एलिमेंट को अगर आप डुप्लीकेट करना चाहें, आप बार बार नहीं लिखना चाह रहे एक टेक्स्ट के ऊपर, लेट्स सपोज आपने ये टेक्स्ट लिया, इसके ऊपर जो भी सेटिंग्स आपने अप्लाई की, ठीक है, वो यहाँ पे आप रख रहे हो, ठीक है, और इसको डुप्लीकेट करना है, तो आप यहाँ से भी डुप्लीकेट कर पाओगे और इस टेक्स्ट को फिर मतलब नेक्स्ट उस पर यूज़ करोगे। अक्सर रील्स के ऊपर आपने देखा होगा कि लोग बोल रहे हैं और उनका टेक्स्ट सामने शो हो रहा है, ठीक है, तो वो इस तरह से यूज़ होगा। आगे चल के मैं इसको प्रैक्टिकली भी आपको एक वीडियो इस तरह की एडिट करके दिखाऊंगा, राइट? उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन था एक्सट्रैक्ट ऑडियो। मैं अगर इसकी ऑडियो, इस वीडियो की ऑडियो निकालना चाहूँ, तो यहाँ पे देखें मैंने जैसे एक्सट्रैक्ट ऑडियो किया, तो वो ऑडियो अलग होगी, वीडियो अलग होगी। अब ऑडियो को मैं अलग से एडिट कर सकता हूँ और वीडियो को अलग से एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको वापस उधर ही लेके आता हूँ। उसके बाद स्प्लिट का ऑप्शन देख लिया। अब कोई चीज़ मुझे डिलीट करनी है, तो सिंपल इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर हमारे पास है डिलीट का ऑप्शन। तो यहाँ पर देखें ये अभी अगर मैं इसको स्प्लिट करूं, तो ये देखिए दो सेक्शंस आ गए। अब मुझे यहाँ पे ये सेक्शन डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और ये सेक्शन डिलीट हो जाएगा पार्ट, ये जो वीडियो का पार्ट है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे क्रॉप का। अगर मैं अपनी वीडियो को क्रॉप करना चाहूँ कहीं तक भी, तो इस तरह से मैं उसको क्रॉप कर सकता हूँ, राइट? और अगर डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर क्रॉप, ऑटोमेटिकली यहाँ पे फॉर्मेट्स दिए गए। अगर फ्री क्रॉप करना चाह रहे हैं अपनी मर्जी से, तो इसको यूज़ करेंगे। अगर किसी स्पेसिफिक डायमेंशन के अंदर करना चाह रहे हैं, तो इंस्टाग्राम के लिए इस तरह से, तो यहाँ पे देखें इनको आप यूज़ कर सकते हैं, इन प्रीसेट्स को। मैं इसको ओरिजिनल पर रहने देता हूँ और कट कर देता हूँ, राइट? इस ऑप्शन से आप ये यूज़ करें। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है मिरर का। आप अपनी वीडियो को चेंज करना चाहें, लेट्स से यहाँ पे हमारे पास है, इसको मैंने मिरर किया, ये देखें आप अपनी वीडियो को मिरर कर सकते हैं। उसके बाद फ्लिप करना चाहें वर्टिकली, तो इस तरह से इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए फ्लिप कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे एक और, मैं यहाँ पे एक लेता हूँ, ये मैंने इस वीडियो के ऊपर ये चीज़ एक और जो है पिक्चर एडिट की कर दी। अब मैं चाहता हूँ कि ये हाफ शो ना हो बल्कि पूरी स्क्रीन के ऊपर शो हो, तो यहाँ पे ऑप्शन है फिल। मैंने इस पर क्लिक किया और फिल पे क्लिक करूँगा, तो देखें वो स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल फिट आ गई, राइट?
उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है रिवर्स का। अगर मैं इस पूरी वीडियो को रिवर्स करना चाहूँ, अक्सर आपने वीडियोस को देखा होगा, मैं आपको इसका भी एक डेमो दिखाऊंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग, कि लोगों ने वीडियोस रिवर्स की होंगी, वो अगर पानी में छलांग लगा रहे हैं तो फिर ऐसा होता है कि पानी से वो वापस निकल रहे हैं, तो वो नॉर्मली रिकॉर्ड इस तरह से कर लेते हैं, पानी में छलांग लगा दी और उसके बाद वीडियोस को रिवर्स कर लेते हैं, वो ऐसा लगता है कि पानी से आप वापस आ रहे हो, राइट। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है फ्रीज, अगर कोई वीडियो एलिमेंट में आप चीज़ भूल गए हो और उसको आप अब ऐड करना चाह रहे हो, तो आप अपनी वीडियो को यहाँ पर फ्रीज करके वॉइस ओवर या कोई टेक्स्ट उस चीज़ पर ऐड कर दोगे, तो इस चीज़ का ऑप्शन इस तरह से यूज़ करेंगे। उसके बाद है फॉरवर्ड, अगर इस ऑप्शन को आप ऊपर लेके जाना चाहो इस वाली लेयर के अंदर, लेट्स सपोज मैं इसको कटआउट कर लेता हूँ, ये मेरे पास कटआउट हो गए, अगर इस लेयर को मैं ऊपर लेके जाना चाहूँ तो मैं क्लिक करूँगा फॉरवर्ड के ऊपर, यहाँ पे देखें इसके ऊपर ऊपर वाली लेयर पे मेरी जो वीडियो है वो चली गई, राइट। तो ये वाले कुछ ऑप्शन थे। अब यहाँ पे देखें ये जो नीचे वाले ऑप्शन हैं ये भी हर लेयर के रेलिवेंट डिफरेंट होंगे। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, उसके बाद अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें आपको एक मास्क का ऑप्शन नज़र आएगा, जो कि अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो शो नहीं होगा, राइट। तो इस वाले पे क्लिक करूँ तो मास्क का ऑप्शन शो होगा। तो इस तरह से डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर मैं किसी भी एलिमेंट पे यहाँ पे क्लिक करूँ और यहाँ पे देखें ये मेरे पास ऑप्शन शो हो रहे हैं, डिलीट करना चाहूँ, डुप्लीकेट, कर्व के बारे में बताऊँगा और की फ्रेम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बावजूद भी मैं आपको डिटेल के अंदर बताने वाला हूँ, राइट। तो ये थे कुछ इंटरफेस के अबाउट, हमने बहुत ही डिटेल के अंदर बात कर ली। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं डायरेक्टली आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप वीडियोस एडिट कर पाओगे इस पूरे सिस्टम को यूज़ करते हुए बहुत ही ईजीली। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।